हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर की क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये क्लास रोज़ आपको रात 8 बजे देखने को मिलती है, जिसमें हर एक परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो कर लेंगे। देखिएगा, आज का विचार है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में 2022 USF1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोटास या मैक्स वर्स्टप्पन, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टप्पन ने ये ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरंग को किस देश ने नाम दिया है? स्पेन ने, स्वीडन ने या फिर थाईलैंड ने? आपको इसका आंसर करना होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थाईलैंड ने इस तूफान को नाम दिया है सितरंग। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में? जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये जम्मू कश्मीर में हाल ही में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक इसका आंसर हो जाएगा। महिलाओं ने 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने क्या जीता है? रजत पदक को जीता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल ने SC ST के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा, कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने SC ST के आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? स्वप्निल कुसाले, तृप्ति देशमुख, ज्योत्सना पांडे या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वप्निल कुसाले ने ये ओलंपिक कोटा जीत लिया है जो पेरिस 2024 का है। ये तीसरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? जोगेश्वर सिंह, साजन भनवाल, अमन सहरावत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा अमन सहरावत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सखारो पुरस्कार जो है ये किसने जीता है हाल ही में। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हुआ है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा? शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हुआ है अपना भारत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप बताइएगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? श्रीलंका को, पाकिस्तान को, म्यांमार को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जल्दी से करिएगा। देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार को यहाँ पर इस देशों की सूची में शामिल किया गया है, उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया है? भारत, श्रीलंका, जापान या फिर पाकिस्तान? तो आंसर क्या होगा? श्रीलंका हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। श्रीलंका देश ने राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन इसने क्या किया है? पारित किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? अरमाने गिरिधर को, अनिल चौहान को, संजय मल्होत्रा को या फिर
राजीव गावा को। इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर तो हो जाएगा अरमाने गिरधर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको बताइएगा कि आप अनिल चौहान कौन है, तो ये वर्तमान CDS के रूप में नियुक्त हुए हैं। बात करें संजय मल्होत्रा की, तो ये राजस्व सचिव के रूप में चुने गए हैं, और राजीव गावा ये भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में चुने गए हैं। इसी के साथ याद रखिएगा कि राजेश वर्मा जो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव के रूप में चुने गए हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री जापान के कौन हैं के बारे में आप यहां पर कुछ न्यूज़ जो हाल ही की है वो बता दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा होमवर्क। तो जापान के बारे में जो भी हाल ही की करंट अफेयर होगी वो आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स में। अब हम देखेंगे कल के जो प्रश्न थे उसका रिविज़न करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 20 अक्टूबर को? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, और यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला है, हाल ही में किसे लगातार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया है, सी मिंजे, हुन जिताओ, सी जिनपिंग या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुने गए हैं सी जिनपिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजुनी का अनावरण किया गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर उपरोक्त दोनों? तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं दोनों देशों को यहाँ पर तजुनी का अनावरण किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आनंद मनानी का निधन हुआ है, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश? आनंद मनानी जो डिप्टी स्पीकर थे कर्नाटक के थे, तो इसलिए इनका निधन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे कहाँ के, कर्नाटक के, आनंद मनानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है, केरल ज्ञान गुरु क्विज, गुजरात ज्ञान गुरु क्विज, महाराष्ट्र ज्ञान गुरु क्विज या इनमें से कोई नहीं? तो अभी मैंने आपको कल ही इसके बारे में बताया था कि वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, 16.20 लाख, 15.76 लाख, 18.70 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 15.76 लाख इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है, ज्योति यारा जी, तृप्ति देशमुख, ज्योत्सना पांडे या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा, ज्योति यारा जी। इन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से भी कम समय लेने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन चुकी हैं। अगला है कि हाल ही में यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, जेम्स मारिप, अब्दुल लतीफ, ऋषि सुनक या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऋषि सुनक, ये चुने गए हैं यूके के प्रधानमंत्री के रूप में। और ये बताइएगा कि अब्दुल लतीफ़ कौन है, तो ये कहाँ के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री चुने गए हैं या राष्ट्रपति, तो इनके बारे में आपको लिखना है। मैंने आपको कई बार इनके बारे में बताया है, तो दोस्तों बता दें कि आपको कि ये अब्दुल लतीफ़ जी, अब्दुल लतीफ़ राशिद इनका पूरा नाम है, ये इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। और बात करें ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में, तो ये एंथनी अल्बनीज़ को चुना गया है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, अरुण बंसल, मनीष सिंह, निरंजन ओवल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा मनीष सिंह, ये अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में पिंटोला ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, अक्षय कुमार, विजय देवरकोंडा, सूर्य कुमार यादव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा, पिंटोला ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है सूर्य कुमार यादव को। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है कि T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला एल्युमिनियम
फ्रेट रेक का उद्घाटन किया गया। श्रीनगर, भुवनेश्वर, पटना या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो आपने करंट अफेयर देखे हैं और साथ ही कल के जो करंट अफेयर थे, इन दोनों का हमने रिविज़न किया है अच्छे से। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपने जितना भी जितने प्रश्नों को सही किया होगा इसका स्कोर ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, यहाँ पर प्रश्न जो थे वो आपको कैसे लगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में कल रात 8 बजे कुछ नए करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।